दोस्तों टर्माइट इंसेक्ट से तो आप सभी परिचित ही होंगे। आम बोलचाल की भाषा में इसे दीमक कहा जाता है। इसकी करीब 2000 से अधिक प्रजातियां पूरे दुनिया भर में पाई जाती है। आज भारत समेत विश्व के लगभग हर क्षेत्र में दीमक पाए जाते हैं। वैसे छोटे से दिखने वाले इस इंसेक्ट को आप हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा। ये इंसेक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये आपको हमारी इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको दीमक से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दीमक इंसेक्ट्स के प्रजाति से आते हैं। वैसे तो दीमक का प्रकोप हर मौसम में रहता है, परंतु बारिश के मौसम में दीमक अत्यधिक पनपते हैं। इसका कारण बारिश में नमी का रहना है। दरअसल ये इंसेक्ट्स नमी वाली जगह पर या फिर आप कह सकते हैं कि अंधेरे में ज़्यादा पनपते हैं। आमतौर पर दीमक बस्तियां या कॉलोनी बनाकर समूहों में रहते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इनकी बस्तियों में सामाजिक संगठन की पूरी व्यवस्था रहती है, जहां बस्तियों का कार्य सही तरीके से करने के लिए इनके श्रमिकों में राजा रानी श्रमिक सिपाही दीमक होते हैं। यहाँ आप में से बहुतों को बात हजम नहीं हो रही होगी कि एक छोटा सा इंसेक्ट्स इतना बड़ा सामाजिक संगठन कैसे बना सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये हकीकत है। यहाँ तक कि इनके समूहों में जब रानी दीमक की प्रजनन शक्ति जब समाप्त हो जाती है, यानी रानी दीमक मर जाती है, तो श्रमिक दीमक किसी भी मादा बच्चे को विशेष खाना खिलाकर उन्हें अपना समूह का रानी बना लेते हैं। दोस्तों दीमक देखने में तो चींटी की तरह लगती है, लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार दीमक चींटी से भिन्न एवं उनके अपेक्षा कम विकसित होती हैं। रिसर्च की माने तो ये इंसेक्ट 20 से 25 वर्ष पहले से धरती पर है और ये केवल गर्म तथा शीतोष्ण देशों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों दीमक वैसे तो बहुत कम दिखाई देते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समूहों में बस्तियां यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनकी कॉलोनी यानी कि घर को टर्माइटेरियम कहा जाता है, जिसे ये मिट्टी पानी और अपनी लार से बनाते हैं। दरअसल दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपना लार मिलाकर टर्माइटेरियम का निर्माण करते हैं। इनके लार में प्रेजेंट सबस्टांस धूप में सूखकर इतने कठोर और मजबूत हो जाते हैं, जिससे एक घर का निर्माण हो जाता है। दोस्तों आप टर्माइटेरियम आपको हर देश में देखने को मिल सकती है। टर्माइटेरियम के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें ये रहते हैं। ये कई बार जरूरत से ज़्यादा ऊंचे एवं विभिन्न प्रकार के नज़र आते हैं, जिसे देखकर अक्सर लोग इसे टीला समझने की गलती कर देते हैं। दोस्तों वैसे तो आमतौर पर टर्माइट 4 से लेकर 10 फीट तक ऊंचे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये 20 फीट तक भी ऊंचे हो सकते हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर काफ़ी ऊँचे टर्माइटेरियम देखने को मिलते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको ऊंचे टर्माइटेरियम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ रिसर्चर को ब्राज़ील के उत्तरी पश्चिमी इलाकों के जंगलों में दीमकों द्वारा बनाए गए कुछ ऊंचे टर्माइटेरियम मिले हैं, जो दिखने में बिल्कुल टीले की तरह नज़र आते हैं। इस रहस्यमय टीलों से मिट्टी लेकर जब कार्बोनेटिंग की गई तो पता चला कि ये करीब 4000 साल पुराने हैं। और अगर बात करें इनके साइज की तो इनका आकार ग्रेट ब्रिटेन जितना बड़ा है। ये टीले करीब 88,000 स्क्वायर माइल्स में फैले हुए हैं। दीमकों के इन टीलों को खोज ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। दीमकों द्वारा बनाई गई ये टीलेनुमा आकृति 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई टीले बनी हुई हैं। कुछ टीले तो 60 फीट तक चौड़ी है। गूगल मैप से देखने पर पता चलता है कि जितने क्षेत्र में दीमकों की ये टीले बने हुए हैं वो 4000 पिरामिडों के बराबर हैं और इनकी संख्या तकरीबन 200 मिलियन है। दोस्तों अगर दीमकों की संख्या की बात करें तो उसमें से केवल एक दीमक रानी होती है और वह पूरी समूह की दीमकों की माँ होती है। रानी दीमक एक अर्धगोले सुंदर घर में रहती है। देखने में रानी दीमक मोटी भद्दी और फूली हुई होती है। इसका पेट बढ़कर 2 इंच या इससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। इनका सिर और ब्रेन इतना छोटा होता है कि ध्यान से न देखने पर पता नहीं चलता है। इनके समूह में राजा छोटा एवं कायर होता है। वह प्रायः रानी के इधर उधर ही घूमता रहता है। रानी की चारों ओर उनका सेविकाएं भी मौजूद होती हैं। रानी की शरीर इतना बड़ा होता है कि वो खुद खाना नहीं खा पाती हैं, इसीलिए उसे श्रमिक ही खाना खिलाते हैं। दोस्तों इनके समूह में रानी दीमक का काम केवल अंडे देना है। वो दिन रात लगातार अंडे दिया करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो एक रानी दीमक प्रति मिनट 60 अंडे देती हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो 24 घंटे में 86,000 अंडे देती हैं। जब वे अंडे देती हैं तो श्रमिक दीमक उस अंडे को सुरक्षित जगह पर रख देते हैं और कुछ समय बाद उससे नीफ निकल आते हैं। अंडों में मौजूद बच्चे निकलने में 24 से 90 दिन का समय लगता है। दोस्तों स्टार्टिंग में नीफ एक जैसे होते हैं। इनमें साधारण बच्चे को विशेष भोजन दिया जाता है।
जो रानी दीमक होती है वो लगातार 4 से 5 साल तक अंडे देती हैं, अपनी बस्ती वालों के बीच श्रद्धा का पात्र बनी रहती हैं। इसीलिए जब वो बीमार होती हैं या अंडे देने में सक्षम नहीं होती हैं तो श्रमिक दीमक उनके भोजन का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही रानी दीमक अंडे देना बंद कर देती है तो उनका भोजन बंद कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मर जाती हैं। तब श्रमिक दीमक उनके शरीर को लगातार चाटना शुरू कर देते हैं। उनके मुंह से निकलने वाला पदार्थ इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो धीरे धीरे रानी दीमक को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद सभी श्रमिक मिलकर उनके स्थान पर नई रानी दीमक को चुन लेते हैं। दोस्तों, दीमक भोजन क्या खाते हैं ये उनके विभिन्न प्रजातियों पर डिपेंड करता है। ये सेलुलोज कार्बनिक पदार्थ खाती हैं, जिसमें आमतौर पर ये पत्ती लकड़ी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि दीमक लकड़ी ज़रूर खाते हैं, लेकिन खुद से उस लकड़ी को पचा नहीं सकते हैं। इसीलिए लकड़ी पचाने के लिए वह अपने स्टोमक में एक विशेष प्रजाति के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखती हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लकड़ी पचाने के लिए एक खास तरह के लिक्विड पैदा करते हैं, जिससे दीमक को लकड़ी पचाने में काफ़ी आसानी होती है। श्रमिक दीमक एक अपने मुंह से एक लिक्विड सबस्टांस भी पैदा करते हैं, जिससे इनके बच्चे और उनके अन्य दीमक चाटते हैं। दरअसल सभी दीमक एक दूसरे के शरीर से निकला हुआ पदार्थ चाटा करते हैं, और इसके कभी कभी चाटने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि वे एक दूसरे के अंग तक तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी दीमक के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जिसे देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा।